नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सबसे पहले मैं आपको आज वो तस्वीर दिखाता हूं जिसके दम पर एकनाथ शिंदे उद्धव सरकार को बेदम करने का बड़ा दावा कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। यह तस्वीर सूरत के एक होटल की है। गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल मिलाकर 35 विधायक तस्वीर में साफ दिख रहे हैं। लेकिन सूरत से गुवाहाटी पहुंचने तक यह संख्या कैसे बदल गई, नया नंबर क्या है, इसका खुलासा मैं कुछ देर में करने वाला हूं न्यूज 18 पर। बड़ा नंबर मेरे पास है क्योंकि आज एकनाथ शिंदे खुद न्यूज 18 से उन्होंने बात की है, वो बातचीत भी मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक और भट्टा बड़ा घटनाक्रम हो गया है। उद्धव ठाकरे जनता से उन्होंने संवाद किया फेसबुक के जरिए और कहा मुझे सीएम की कुर्सी का कोई लालच नहीं है, अगर गठबंधन कहे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हिंदुत्व पर हमें कोई सर्टिफिकेट ना दे। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए कह रहे हैं हमारी शिवसेना बाला साहब की शिवसेना है, असली शिवसेना है, क्योंकि संख्या बल हमारे पास है, हिंदुत्व हमारे पास है, विचारधारा हमारे पास है। तो उद्धव ठाकरे के पास क्या विचारधारा नहीं है जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं? वो कह रहे हम हिंदुत्व की विचारधारा वाली अब पार्टी है, बाला साहब की असली शिवसेना शिंदे की शिवसेना है, यह दावा किया जा रहा है। और अगर हमें बागी बताया जा रहा है, एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा अगर हमें बागी बताया जा रहा है तो यह सरासर गलत है। हम सभी बाला साहब ठाकरे के भक्त हैं और सच्चे शिव सैनिक हैं। तो आज महाराष्ट्र के जोरदार सियासी एक्शन पर सबसे बड़ी सियासी बहस, सरकार प्रभारी भगवा की दावेदारी, कुल मिलाकर हिंदुत्व के नाम पर, भगवा के नाम पर उद्धव सरकार की क्या कुर्बानी हो रही है और क्या अब असली शिवसेना असली पार्टी शिंदे है जो वो कह रहे हैं। आज का आर पार इसी पर और बड़ी खबरों के साथ मैं आ रहा हूं क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में पोस्टर बदल गया है। कहां किसका पोस्टर बदला है, ब्रेक अब से कुछ देर में वो ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताऊंगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे, मला कोणताही मोह नाही, मी ओढून ताणून खुर्चीला चिपकून बसणार नाही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुल मिलाकर संख्या 35 पहुंच गई। ये तस्वीर तब की है जब तमाम बागी सूरत के 5 सितारा होटल में मौजूद है। अब जरा इसके बाद का घटनाक्रम समझिए। 22 जून 2022 सुबह 2:15 बजे सूरत से गुवाहाटी जाने के लिए सारे बागी होटल से निकले। सुबह 6:30 बजे विशेष विमान से गुवाहाटी में बागी विधायकों की लैंडिंग हुई और इसके बाद सुबह 8 बजे शिंदे ने शिवसेना के 36 और 10 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया। लेकिन इसके बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए शिंदे ने एक और बड़ा दावा किया। शिंदे साहब, कितने विधायक आपके पास है और कितना नंबर आपके पास इस समय? सर हाँ, मेरे साथ में अभी 46 लोग हैं और 7 से 8 जो है इंडिपेंडेंट निर्दलीय हैं। निर्दलीय हैं। अब जरा दूसरे खेमे की हलचल भी देख लीजिए। सुबह तक तो संजय राउत दावा कर रहे थे कि शिंदे हमारे संपर्क में, लेकिन थोड़ी ही देर में सुर बदल गए और संजय राउत कहने लगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार चली जाएगी। आज भी पूरा विश्वास है कि जो MLA गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं, खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र हमारे साथी और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्विटर से अपना मंत्री पद वाला दर्जा हटा दिया। संजय राउत ने ट्वीट किया, राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें विधानसभा भंग हो सकती है।
इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता नारायण राणे का बयान आया है। इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, उनके पास बहुमत नहीं रहा। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह क्या थी, कारण क्या था नाराजगी का? बार बार उसको अपमानित करना, उसको प्रॉमिस करना और नहीं निभाना, ये उसके बारे में बार बार हो रहा था। ये षड्यंत्र बीजेपी का, इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद में उस वक्त भी चर्चा चल रही थी महाराष्ट्र की जी, अंदर ही अंदर होस्टेडिंग करी इन्होंने और आज स्थिति आई। इस बीच उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती देते हुए शिंदे गुट ने भरत गोगावले को 34 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ चीफ व्हिप चुना और खुद को असली शिवसेना बता दिया। साथ ही सुनील प्रभु की तरफ से जारी व्हिप को गैर कानूनी भी बता दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव सरकार का जाना तय है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको कुछ नंबर गेम बताता हूं। महाराष्ट्र में नंबर गेम का विश्लेषण सुनिए। उद्धव ठाकरे का खेमा, बगावत से पहले क्या स्थिति थी? बगावत से पहले थी महाविकास अगाड़ी, जिसको एमवीए का नाम दिया जाता है, 169 यानी 170 से एक कम। शिवसेना के बागी जो शिंदे का दावा है वो 46 है। मैजिक नंबर 144 का है, मैजिक नंबर 144 का है। बगावत के बाद अल्पमत में जब सरकार आएगी तो 123 का नंबर है। लेकिन अब देखना है कि बीजेपी का नंबर कहां जा रहा है। फडणवीस का खेमा बगावत से पहले कितने पे था? बगावत से पहले, एमएलसी चुनाव से पहले, राज्यसभा इलेक्शन से पहले, बगावत का खेमा, बगावत से पहले फडणवीस का खेमा 113 पे था, जिसमें बीजेपी प्लस है, बीजेपी खुद 106 है, बाकी 7 सहयोगी। शिवसेना का, शिंदे का जो दावा है, शिवसेना के 46 बागी अगर बीजेपी के साथ आए, क्योंकि वो शर्त रख चुके हैं कि अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो हम शिवसेना के साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये 46 बागी बीजेपी के साथ आते हैं, जिसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना बीजेपी क्लेम कर रही है ना शिंदे क्लेम कर रहे हैं, तो मैजिक नंबर 144 का है और बीजेपी प्लस 159 पे पहुंच जाता है। यानी बहुमत से काफी ज्यादा का आंकड़ा बीजेपी के पास हो जाता है। और ऐसी सूरत के अंदर जो एक्स्ट्राज होते हैं वो भी बीजेपी के पास अगर जुड़ते हैं तो 160 से ऊपर का आंकड़ा जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन मैं फिर कह दूं, ना शिंदे का खेमा ये कह रहा है, ना बीजेपी का खेमा ये कह रहा है, दोनों कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। संजय राउत कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी सरकार चली जाएगी। मेरे साथ संगीत रागी हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। संगीत रागी, यहां सरकार जाने की बात है या पार्टी जाने की बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने विड्रॉ किया था सपोर्ट और दूसरे के साथ जाकर के मिल गए। आज उनसे उनकी सारी राजनीतिक पूंजी खत्म हो गई है और पार्टी दोनों खो गए हैं। और मुझे लगता है कि वो जैसे मुगल बादशाह का बहादुर शाह जफर है, वो शिवसेना के बहादुर शाह जफर की स्थिति में है, जो ये कह रहे हैं कि दो गज जमीन भी मिल न सकी कुएं यार में। आज ये हालत हो गई है कि वो अपने, वो कह रहे हैं बार बार कि हमें सत्ता से लालच नहीं है। यदि आप सत्ता से लालच नहीं होता तो क्या आप विचारधारा के लिए? ये पॉइंट है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ा पोस्टर लग गया है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के साथ शिंदे की तस्वीर वहां पर लग गई है। बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के साथ शिंदे की तस्वीर लग गई है। साहेब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ये तस्वीर आगे बढ़ गई है। नया पोस्टर आया है, एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर। बार बार वो कह रहे हैं हम असली शिवसेना है, हम बाला साहब के शिव सैनिक है, हम हिंदुत्व वाले शिव सैनिक है, हम विचारधारा के साथ समझौता नहीं करते। पोस्टर में बाला साहब भी हैं, बाला साहब ठाकरे और एकनाथ शिंदे। क्या बाला साहब की लीगसी को एकनाथ शिंदे कल क्लेम कर रहे हैं? ये बड़ा पॉइंट होगा, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग इस समय स्टोरी है। मेरे साथ विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ इस समय। विक्रांत, मैं आपका रुख करता हूं।